दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया की एक ऐसी स्टार के बारे में जिन्होंने अभी हाल ही में हर शंभु भजन को अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, लेकिन उनके इस भजन को कुछ लोगों ने नहीं पसंद किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फरमानी नाच की, जिन्होंने हर शंभु भजन गाकर लाखों करोड़ लोगों के दिलों को जीत चुकी। लेकिन उन्हीं लाखों करोड़ लोगों में से कुछ लोगों को उनके द्वारा गाया हुआ ये शिव भजन बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है। तो ये हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि फरमानी नाच के इस भजन को गाने के बाद लोग उन्हें क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। और साथ ही हम आपको फरमानी नाच के बारे में बहुत सी बातें बताएंगे कि ये कहाँ की रहने वाली है और ये क्या करती है। ऐसे बहुत से अनसुने राज जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हर हर शंभु भजन को अभिलाषा पंडा और जीतू शर्मा के द्वारा गाया गया था और यह भजन काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। लेकिन अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर के मोहम्मदपुर गांव की रहने वाली फरमानी नाज ने भी इस भजन को गाया है, जिसको यूट्यूब पर लाखों करोड़ लोगों ने पसंद भी किया है। हम आपको बता दें कि फरमानी नाज की शादी हो गई है, उनका एक बच्चा भी है। इनके पति अब इनके साथ नहीं रहते। दरअसल इनके पति ने इनको बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी कर ली है। जब इनके पति ने इनको छोड़ दिया तो बच्चे की जिम्मेदारी तो फरमानी के ऊपर आ गई और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए फरमानी किसी काम की तलाश करने लगी। तभी फरमानी के ताऊ जी के बेटे ने फरमानी को एक यूट्यूबर से मिलवाया और फिर उस यूट्यूबर ने फरमानी का गाना सुना और जब उसको फरमानी का गाना अच्छा लगा तो उन्होंने फरमानी के गाने को अच्छे से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दिया। और जब लोगों ने फरमानी का गाना सुना तो सबको फरमानी का गाना बहुत पसंद आया और फिर देखते ही देखते फरमानी का वीडियो वायरल होने लगा। और आज अपनी मेहनत और टैलेंट की वजह से फरमानी सोशल मीडिया की उन ऊंचाइयों को छू रही जिसके लोग सपने देखा करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि फरमानी का हर हर शंभु भजन क्यों नहीं पसंद किया जा रहा है। दरअसल बात ये है कि उनके खिलाफ फातवा जारी कर दिया है और कहा है कि तुम एक मुस्लिम लड़की होने के बावजूद भी हिंदू भजन को क्यों गा रही हो। वहीं फरमानी ने जवाब दिया है कि सिंगिंग और म्यूजिक का कोई धर्म नहीं होता। मोहम्मद रफी साहब जैसे बुलंद सिंगर ने भी कई भजन गाया है। सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी सिंगिंग और म्यूजिक को किसी धर्म से ना जोड़े। वहीं फरमानी ये भी कहती है कि अगर कुदरत ने मुझे इतनी अच्छी आवाज दी है तो मैं हर धर्म के गाने गा सकती हूँ। फरमानी का हर शंभु भजन बहुत से मुस्लिम भाइयों को बहुत पसंद आया और वो फरमानी की तारीफ भी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में फरमानी ने इंडियन आइडल में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से फरमानी को वापस आना पड़ा। बात करें फरमानी की यूट्यूब चैनल की तो इनके यूट्यूब चैनल फरमानी नाच सिंगर के नाम से है, जिस पर इनके 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। फरमानी आज हर शंभु भजन की वजह से सोशल मीडिया पर छाई हुई है और इन्होंने इस भजन को इतना अच्छा गाया है कि जो भी एक बार सुनता है वो इनका फैन बन जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। आपको कैसी लगी फरमानी नाच के द्वारा गाया हुआ हर और शंभू भजन कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही ये भी बताएं कि क्या फरमानी ने इस भजन को गाकर सही किया या फिर गलत। मेरी नजर से तो फरमानी ने सही किया, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसी लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।